नमस्कार दोस्तों, अब देख रहे थियोरिकल सम्राट यूट्यूब चैनल। मैं सम्राट विश्वास आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, सिर्फ 1000 रुपए में आप शुरू कर सकते आपका घर में एलईडी बल्ब बनाने का बिजनेस। वो कैसे? आप बाजार में से जो 3 वाट का एलईडी बल्ब खरीद के लाते 80 रुपया में, वो आप घर में ही बना सकते सिर्फ 8 रुपया 50 पैसा में। जो 12 वाट का एलईडी बल्ब आप बाजार में से 180 रुपए में खरीद के लाते, वो आप घर में ही बना सकते सिर्फ 23 रुपया में। और जो 14 वाट के बल्ब आप 230 रुपए में खरीद के लाते, वो आप बना सकते सिर्फ 27 रुपया। और जो 20 वाट का बल्ब आप बाजार में से 450 रुपए में खरीद के ला सकते, वो आप घर में ही बना सकते सिर्फ 38 रुपया में। और ये बिजनेस फ्रेंड शुरू कर सकते सिर्फ 1000 रुपया में। आपको एक एलईडी पर्सेस मशीन खरीदना पड़ेगा जिसका कीमत है सिर्फ 600 रुपया, और एक हीटर जिसका कीमत है 40 से 50 रुपया। इससे आप घर में बैठ के शुरू कर सकते एलईडी बनाने का बिजनेस। और इसमें फायदा कितना है वो तो आपको पता चल ही गया। 8 रुपए का सिर्फ 80 रुपए में बिक रहा है, 40 रुपए का सिर्फ 450 रुपए में बिक रहा है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ 1000 रुपए में ऐसा बहुत ही कम बिजनेस होगा जो सिर्फ 1000 रुपए में आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये बिजनेस आप आग बंद करके सिर्फ 1000 रुपए लेके शुरू कर सकते हैं, और इसमें लॉस होने का कुछ है ही नहीं। तो आप अगर सीखना चाहते हैं ये बिजनेस कैसे शुरू करें, तो वीडियो को बिना स्किप करके आखिर तक देखते रहिए। वीडियो का आखिर में ऐसे टिप्स दूंगा जो ये बिजनेस को ग्रोथ करने में आपको बहुत ही मदद करेगा। और आप अगर मेरा चैनल में पहले बार है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए शुरू करें। तो फ्रेंड देख लीजिए, आपको एलईडी बल्ब बनाने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा। आपको इधर में जरूरत पड़ेगा कैपेसिटर, पीएफ, पीसीबी। तो मैं एक एक करके बताते हैं आपको। आप देख सकते हैं ये पीएफ है, ये कई जात का आते हैं। मतलब आप जैसे बड़ा बल्ब बनाने के लिए जाओगे तो बड़ा वाला, छोटा बल्ब बनाने जाओ तो छोटा वाला। एप देख सकते फ्रेंड कैपेसिटर है, ये भी एक ही बात है। आप ज्यादा वाट का बनाने जाओगे तो इसका वाट भी ज्यादा करना पड़ेगा, और कम वाट का बनाने जाओगे तो कम। अरे फ्रेंड ये जो देख रहा है ये पीसीबी है, इसका भी वही है। ज्यादा वाट का बनाने जाओगे तो कीमत भी ज्यादा पैसा से खरीदना पड़ेगा, और बोल्ट भी थोड़ा ज्यादा आएगा। और ये फ्रेंड बॉडी है, ये बॉडी भी आपको मिल जाएगा, इसको बॉडी कहते हैं। और ये बैक साइड है, आप देख सकते हैं एनोमियम का है। तो ये भी पूरा के पूरा आपको बाजार में मिल जाएगा। ये 1-2 रुपया का चीज है। तो आप जितना भी ज्यादा वेट बनाने जाओगे, जितना भी ज्यादा यह बनाओगे, उतना खर्चा पड़ेगा। ये पैकिंग भी आपको 1 रुपया का अंदर मिल जाएगा अगर छोटा बल्ब बनाओगे तो। फ्रेंड ऐसे कुछ इस तरह आपको सॉकेट मिल जाएगा। आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ एक्सिस के साथ दूसरा से जोड़ना है, और उसको बैठाने का जगह भी पहले से सेट करके रखा है। सिर्फ आपको प्लस माइनस देखना पड़ेगा। पहले पहले थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन एक आधा बल्ब अगर जोड़ लोगे तो उसका बाद से आपको अपना आप मालूम पड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इधर मैं कैपेसिटर जोड़ रहा हूँ, बस दोनों साइड में बैठा दिया और हीटर से जोड़ देना, इतना ही काम है। फिर इधर में पीएफ बैठा रहा हूँ, वो भी यही है, प्लस माइनस देखना पड़ेगा, फिर आपको हीटर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं दोनों मुंह को जोड़ देना, बस इतना ही काम होता है। और ये जोड़ने का बाद ये दो ही से जोड़ना पड़ता है, और बाद बाकी तो इसका अंदर ही रहते हैं। जोड़ने का बाद आपको जो बैक साइड का जो दोनों वायर आते हैं प्लस माइनस का, वो आपको बैठाना पड़ेगा। और ये बैठा के फिर आप हीटर से इसका सब जोड़ देना, इसका भी आपको दिख जाएगा। इसका तो हल्ला कोई प्लस माइनस नहीं होता है, फिर भी आप देख सकते। तो इधर में अब जब ये सॉकेट आपके हाथ में आ जाएगा तो आप अपना पता चल जाएगा कहाँ पे क्या बैठाना है। तो आप देख सकते बल्ब का अंदर कुछ इस तरह बैठा देना, तो बस इसका ऐसे ही बैठ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और अभी बताते ये जो पार्सिंग मशीन है, इसका अंदर डाल के बस इतना ही काम है, बैठा दोगे तो अपना आप उसके अंदर बैठ जाएगा। तो फ्रेंड इसका बाद आपका जो काम आते ये कवर लगाना, कवर लगाने के बाद आपको मैं चेक करके बताऊंगा जे कैसे जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो फ्रेंड मैं आपको चेक करके बता दे, इधर देख सकते मैं इधर से चेक करके जल गया। तो ये जलने के बाद फ्रेंड आपको ये कवर में डालना पड़ेगा बस बाजार लेके जाने के लिए। तो ये अभी बाजार में जाने के लिए रेडी हो गया। तो फ्रेंड देख लिए कैसे आप एलईडी बल्ब आपका घर में ही बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इसका जो मशीन है आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, एलईडी पर्सेस मशीन एंड हीटर मशीन ऑनलाइन में मिल जाएगा। दोस्तों कोई भी होलसेल मार्केट से जितना भी सामान है आप होलसेल रेट में खरीद के ला सकते हैं। और मैं जितना ही बताया इतना में आप कर पाओगे।
एक बल्ब तैयार करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट से 3 मिनट लगेगा। पहले पहले अगर मेरा वीडियो देखने का बावजूद कोई दिक्कत हो रहा है तो आपका साइड में जो इलेक्ट्रिशियन है, जो टीवी ठीक करते फिर मोबाइल ठीक करते उसके पास से भी थोड़ा हेल्प ले सकते। मैं जो बताया था जब वीडियो का आखिर में आपको ऐसे टिप्स दूंगा जो आप जल्दी से जल्दी आपको बिजनेस के ग्रोथ कर पाओगे, तो वो यही है जो 14 वाट के एलईडी बाजार में बेचते 230 रुपया, वही बल्ब आप अगर बाजार में 100 रुपया में बेचोगे तो क्या बिकेगा कि नहीं बिकेगा? एक 14 वाट का बल्ब बनाने में खर्चा होते सिर्फ 27 रुपया, तो आप 100 रुपया में भी बिक रहा है तो आपको 400% लाभ आप सोच ही सकते। तो फ्रेंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले पहले आप तो कोई होलसेलर फिर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कॉन्टेक्ट ना करें, आपका छोटा सा बाजार से शुरू करें। तो जब आप कितना भी माल आप पहले पहले आपका खुद का बाजार में लेके जाओगे ना तो अपना आप सप्लाई हो जाएगा। तो फ्रेंड ये बिजनेस आप पार्ट टाइम भी कर सकते फुल टाइम भी कर सकते, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा आप पहले आपका ब्रांड नेम सफाले और फिर बाजार में सोरे। तो जब आपका ब्रांड नेम बाजार में चलने लग जाएगा, आप 250 रुपए का से 100 रुपए में देने लग जाओगे तो आपका ब्रांड अपना आप ग्रोथ हो जाए। तो फ्रेंड ये बिजनेस आइडिया जरूर आपका फ्रेंड एंड रिश्तेदार के साथ शेयर करें। और आप अगर इस तरह वीडियो देखना पसंद करते, आप भी जिंदगी में कुछ करने का बड़ा करने का सोचते तो हमेशा हमारा साथ में जुड़े रह सकते। मेरा हर 2 दिन में एक एक नया वीडियो आते बिजनेस आइडिया के ऊपर, तो उसके लिए आप इंतजार कर सकते। आप अगर एडवांस में बिजनेस आइडिया देखना चाहते बहुत सारे तो हमारा चैनल का अंदर जाके भी देख सकते। तो फ्रेंड हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। तो फ्रेंड मिलता हूं अगले वीडियो में, अच्छा रहना, नमस्कार।